So who of F equal to ma, okay? So we will write F equal to ma. F kya tha force? Force. M kya tha mass? Mass. Aur ye tha acceleration. Acceleration. ओके तो अभी एफ इक्वल टू एमी प्रूव करने के लिए क्या होगा, न्यूटॉन्स के सेकेंड लॉ की जरूरत पड़ेगा. ओके क्लियर. तो मतलब कि कोई एक बॉडी था, उसका इनिशियल वेलोसिटी था यू. ओके इस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी यू था. सपोज एक बॉडी मान लिया, इसका इनिशियल वेलोसिटी यू था, इसके ऊपर एक कॉन्स्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट इज एफ. एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, कॉन्स्टेंट फोर्स. तो उसके बाद बॉडी जब इस जगह पर आए, ठीक है बेटा, इसका वेलोसिटी हो गया मतलब वी, पहले ही था, और ये जो टाइम लगा दैट इज इज टी, और इसमें जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ दैट इज इज ए. तो बॉडी के ऊपर फोर्स दिया गया, कॉन्स्टेंट फोर्स टी टाइम था, और उसमें फोर्स की वजह से कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन था, और उसके बाद उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, वी. तो अभी मतलब इनिशियल मोमेंटम P1 से लिखते हैं इनिशियल मोमेंटम, दैट इज इज एम यू. ओके मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम मींस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी. तो उसके बाद फाइनल मोमेंटम जो है P2 जो है वो एम भी मास एंड वेलोसिटी. चेंज इन मोमेंटम दैट इज P2 माइनस P1. ओके उसके बाद रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो है P2 माइनस P1 अपॉन T. ठीक है तो रेट है ना, रेट में तो टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा. जब हम लोग रेट फाइंड करते हैं उसमें क्या करना पड़ेगा, टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा. क्लियर. अभी देखो इस जगह पे हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटॉन सेकेंड लॉ मोशन. ओके शॉर्ट में लिख दिया, अकॉर्डिंग टू स्पेलिंग करके लिखना, अकॉर्डिंग टू न्यूटॉन सेकेंड लॉ मोशन. ओके क्या होता है इसमें, जो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं ना, पी टू माइनस पी वन अपॉन टी. तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी. ओके और एफ बिकॉज टू क्या है के एम वी माइनस एम यू अपॉन टी. तो के एम कौन आ गया, वी माइनस यू अपॉन टी. जो मोशन का चैप्टर था उसमें तुम लोग पढ़े हो वी माइनस यू अपॉन टी क्या होता है. तो K इंटू एम इंटू ए एफ इक्वल्स बिकॉज वी माइनस यू अपॉन टी इक्वल्स टू यू. ओके अभी इन एसआई सिस्टम जिसे आप जानते हो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, उस सिस्टम में हमने एफ जो है वन न्यूटन. ओके जब न्यूटन स्पेलिंग करके लिखते हो तो एन छोटा होना चाहिए, और जब सिंबल होगा एन कैपिटल होना चाहिए. तो मालूम होगा एम जो है वन के जी और ए हो गया वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये सब के वैल्यूज इसमें पुट करोगे तो एफ की जगह पे एफ इक्वल्स टू क्या था के एम ए बी वन के का वैल्यूज ए वन ए बी वन है ए वन ए सब ये होना उनका.
तो k इक्वल्स टू 1 नहीं तो डायरेक्टली यू कैन राइट इन एसआई सिस्टम k इक्वल्स टू 1 उसके बाद देखोगे देयरफॉर m इक्वल्स टू हम लोग का क्या था k m k था तो f इक्वल्स टू 1 इनटू m इनटू a तो f इक्वल्स टू m इसको बोलते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ मोशन मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ मोशन ओके तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा है कोई दिक्कत तो नहीं है न्यूटन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन शॉर्ट में दिखती है ठीक है तो एफ इक्वल टू एम ए का प्रूफ हो गया अभी जब एफ इक्वल टू एम ए का प्रूफ होती है तब उससे फिर क्या होता है वन न्यूटन का डेफिनेशन दिया जाएगा जैसे यहां से एक छोटा सा चीज होता है कि डेफिनेशन ऑफ वन न्यूटन देखो जब वन न्यूटन का डेफिनेशन तुम बताओगे वेरी इजी है ज्यादा कुछ समझ नहीं एक फॉर्मूला को याद रखा एक इक्वल टू एम ए इसको वन के जी बोला इसी को वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोला ओके तब एफ भी क्या होगा वन न्यूटन हो जाएगा ठीक है तो वन न्यूटन इज दैट फोर्स व्हेन अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ मास वन के जी प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ऑफ वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओके तो वन न्यूटन इज दैट फोर्स वन न्यूटन इज दैट फोर्स which produces an acceleration of 1 meter per second square on a body of mass 1 kg. इस टाइप का तुम जैसे मतलब कि जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग तुम लिख सकते हो वन न्यूटन इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ऑफ वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन बॉडी ऑफ मास वन केजी सीधे से क्या होगा मान लो एक केजी मास के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया और उसका एक्सीलरेशन हुआ वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो वो जो फोर्स होगा वो क्या होगा वन न्यूटन तुम लोग ये भी जानते थे जो बहुत सारे यूनिट्स होते हैं एक होता है एसआई सिस्टम एसआई जो है एक जानते हो और एक होता है एमकेएस और एक क्या होता है सीजीएस और एफपीएस ये तो एसआई तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल है ये वाला मीटर के पर केजी एस पर सेकेंड के सेंटीमीटर ग्राम ये वाला सेकेंड हाँ फुट पाउंड एवी सेकेंड है ना फुट पाउंड तो अभी जो हम लोग का लोग बोलते हैं कि वन न्यूटन इक्वल्स टू 10^5 ये कौन सा है सीजीएस और एक है एमकेएस ऐसा ही बोल सकते ठीक है बेटा क्लियर तो ये हो गया हमारा तो आप तो समझ में एफ इक्वल टू एम ए का प्रूफ किस तरीका से होता है ठीक है तो फिर बात भी लिख लेना ये क्या नाम इसका नाम इसका टॉपिक का नाम क्या है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन सेकेंड लॉ मोशन ओके मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ मोशन ओके अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होते हैं
अच्छा ये तो तुम्हारे लॉज ऑफ मोशन का रिविजन है ना, एक्चुअली फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ओके उसका रिविजन टॉपिक है। तो ये वाला टॉपिक जो इनर्शिया वो तो लोग को डिफिकल्ट लग रहा है। इनर्शिया, इनर्शिया का जब डेफिनेशन बताओगे उसमें कुछ पॉइंट्स आएगा। एक पॉइंट्स होगा नेचुरल टेंडेंसी, नेचुरल नेचुरल टेंडेंसी, एक वर्ड होगा नेचुरल टेंडेंसी, ओके। तो ये जो टेंडेंसी है नेचुरल टेंडेंसी, मान लो ऑटोमेटिकली कोई आर्टिफिशियल टाइप का नहीं है, इज द नेचुरल टेंडेंसी। कोई एक ऑब्जेक्ट का ही होगा, ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट, आर ई एस आई एस टी, ओके, टू रेजिस्ट मतलब वो उससे बाधा देता है, टू रेजिस्ट एनी चेंज, कोई जो चेंज हो रहा है उसकी, किसमें चेंज हो रहा है, दैट इज स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, मोशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ओके। ये जो मतलब जिसको लेके तुम्हें डेफिनेशन को मानना पड़ेगा, ये सब वर्ड होना चाहिए मिनिमम, तो इट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन और यूनिफॉर्म मोशन, जो भी बोलोगे घूमोगे यूनिफॉर्म मोशन लिखा ना, तो मतलब पूरा नहीं लिख पाए तो स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको रेजिस्ट करते हैं, ठीक है ना। कोई नहीं चाह पाए कि आपने अभी आगे बढ़े रुक जाए, कोई बार से फोर्स अप्लाई, तो अभी देखते हैं कि कोई एक लाइट ऑब्जेक्ट है, अभी चेक कर लेते हैं। एक लाइट ऑब्जेक्ट है, लाइट ऑब्जेक्ट मतलब जिसका मास कम है, लेसर मास, एक लाइटर ऑब्जेक्ट और एक हेवियर, हेवियर ऑब्जेक्ट जिसका मास, इसका लार्ज मास, तो नेचुरली जो लाइट ऑब्जेक्ट का मतलब वो रेस्ट में है उसको मूव करना चाहते हैं तो हम लोग को कम फोर्स देना पड़ेगा, लेकिन हेवियर ऑब्जेक्ट तो ज्यादा हम लोग को फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। कभी कभी बोलते हैं कि मान लो कोई पूछा गया ऐसा यूनिट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो केजी लिखो, मान लो भाई जैसे कोई पूछे तो इसके यूनिट क्या हो जाएंगे, केजी पूछता है, ठीक है बेटा। अब इनर्शिया कितना टाइप का होगा, इनर्शिया, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कितने टाइप का है इनर्शिया की बात। अब मतलब कोई केस में मान लो तुमको ऐसे डेफिनेशन को लिखने देता है, इनर्शिया नहीं देखे इनर्शिया रेस्ट देते, तो तुम इसको कितना ही लिखोगे। मान लो तुमको डेफिनेशन पूछता है इनर्शियल मोशन, तो इनर्शियल स्टेट ऑफ रेस्ट नहीं लिखे, स्टेट ऑफ मोशन लिखे। अभी एक बात होता है कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वो क्या है,
इनर्सी ऑफ डायरेक्शन, जैसे मान लो कोई तुमने मान लो कोई एक थ्रेड लिया, यहाँ पे एक स्टोन बना और यहाँ पे तुम्हारा, और इसको तुम रोटेट कराने लगा, ऐसा करके रोटेट करते हुए जा, सडनली इस पोजीशन में आके दिखा कि ये टूट गया, तब वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में चला गया। इसका डायरेक्शन पहले क्या था, टेंजेंशियल था, टेंजेंट, टेंजेंट तो जानते हो ये जो रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर, तो यहां पे भी क्या होगा, टेंजेंट क्या लंबी होगी, दैट मीन्स कोई कंडीशन में वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहता, उसी को क्या बोलते डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जो बॉडी मान लो कोई मूव कर रहे हैं तो जो उसका जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ही जाना चाहते हैं, आई मान लो को उस डायरेक्शन से हम लोग कोई चेंज करना चाहते हैं, हम लोग को फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सपोज हम साइकिल लेके जा रहे हैं सीधे एक स्पीड में, तो उसी डायरेक्शन में जाना चाहते थे, लेकिन हम सडनली टर्न लेना चाहते हैं तो हमको क्या होगा, कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो नहीं सीधे जाके तुरंत टर्न हो जाएंगे। ओके, तो ये जो चीज है इसी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन का भी तुम लोग जानते हो। ओके, एनसीटी बुक में भी उसके एग्जाम्पल दिया है। हम लोग का बॉडी मान लो रेस्ट में था, हम लोग मान लो बस में बैठे हैं, तो उस केस में मान लो सडनली बस चलने लग जाते हैं, ओके, तो हम लोग को क्या पोजीशन होते हैं, जो हम लोग का अपर बॉडी जो है वो क्या होता है, पीछे मतलब अटैच है ना, दैट इज कॉल, और लोअर बॉडी तो आगे चली रहे इस टाइप, ओके, तो वो पीछे की तरफ चला है, ओके। लेकिन अभी कोई बस मान लो मूव कर रहे हैं, ओके, हम लोग का पूरा बॉडी मोशन में है, ओके, सडनली ब्रेक लगा दिया तो हम लोग सामने की तरफ झुक जाते, ये क्यों हुआ, बिकॉज हम लोग का अपर बॉडी मोशन में है, लेकिन वो तो रेस्ट में नहीं आना चाहते तो आगे चल गया, लेकिन लोअर बॉडी तो मोशन में आ गई, रेस्ट में आ गई, इसी टाइप का चीजें हैं, क्लियर। तो ये जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये तीन टाइप का है, ये दोनों तो अच्छे से समझ में आता है, ये वाला डायरेक्शन भी बता दिया। तो इनर्शिया के अंदर क्या पढ़ना है, इस तीन ये जो जितनी वर्ड्स लिखा ना इस पर अच्छे से ध्यान रखो। फिजिक्स में कभी ये नहीं है कि नहीं, तभी भी जैसे मान लो टीचर ने बता दिया इसको नहीं से लिखना, ठीक है, लेकिन पहले उसको ध्यान रखना कि उसके कॉन्सेप्ट कि क्या क्या चीजें हैं, ये सब चीजें से वर्ड को फिर सेंटेंस में फ्रेम कर देना तो क्या होगा, डेफिनेशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लाइटर ऑब्जेक्ट, हेवियर ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है बेटा, और एक हो गया दैट इज द इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डाउट तुम लोग का किसमें आ रहा है, क्वेश्चन नंबर सेवन, ओके, एक मिनट, तो थ्योरी का बोलता हूँ, न्यूमेरिकल थोड़ा बाद में करता हूँ, थ्योरी का रिस्पेक्ट में चेक कर, अच्छा इसको मैं साफ कर रहा हूँ, है